हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की तरीका, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े तो काफी है, ये सब देखते हैं हम जनरल स्टडीज के लिए। सो वेदर वी शुड रीड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एनी अदर न्यूज़पेपर। सब कहते हैं कि हिंदू स्टैंडर्ड है वही पढ़ना चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस भी इंडियन एक्सप्रेस अल्टरनेटली चलेगा, ऐसे कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए एंड हाउ टू फॉर्म ए बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सिर्फ हमें जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्या हुआ करंट अफेयर्स के लिए, कहाँ क्या हो रहा है, इससे यही काफ़ी है, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें एक ओपिनियन भी बनाना होता है तो वो कैसे बनेगा ये भी देखते हैं। सो इसका एक सिंपल आंसर है, रीड एनी न्यूज़पेपर बट फॉलो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स हु हैव बैलेंस्ड व्यूज टू फॉर्म ए बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। सो लोग स्कॉलर्स होते हैं अलग अलग इश्यूज़ में, किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं या कोई लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं या कोई इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो इनके ओपिनियंस हम अगर फॉलो कर समझने की कोशिश करें और वो अपनाएं तो हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनेगा अलग अलग टॉपिक्स पे। तो इनको फॉलो कैसे करें, किस किस को फॉलो करें, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं बता रही हूँ। आप इस लिस्ट के ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना लिस्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी का नाम है हर्ष मंदर, ये IAS ऑफिसर थे। हर्ष मंदर फॉर्मली वर्कड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ही इज एन एक्टिविस्ट हु वर्क्स विद सर्वाइवर्स ऑफ मास वायलेंस एंड हंगर एज वेल एज होमलेस पर्सन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड अ स्पेशल कमिश्नर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द राइट टू फूड केस। ही इज एसोसिएटेड विद वेरियस सोशल कॉजेस एंड मूवमेंट्स एंड राइट्स एंड स्पीक्स रेगुलरली ऑन इश्यूज ऑफ कम्युनल हार्मनी, ट्राइबल, दलित एंड डिजेबल्ड पर्सन्स राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, कस्टोडियल जस्टिस, होमलेसनेस एंड बॉन्डेड लेबर। सो इनके ये बायोडाटा देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये इनका जो क्वालिटीज क्या है, ये रेगुलरली लिखते हैं और स्पीचेस भी देते हैं इन सारे इश्यूज के ऊपर। सो यही सारे इश्यूज है जो हमें अलग अलग इश्यूज सोसाइटी का, जिन पे हमें एक ओपिनियन फॉर्म करना है, बाद में एक्ट भी करना होता है। सो इनका एक एग्जांपल भी, एक कॉलम दिया मैंने इंडियन एक्सप्रेस का, तो आप ये देख सकते हैं। ये NRC के बारे में लिखे थे, काफी सारे मामलों के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में लिखते रहते हैं और स्पीच भी देते रहते हैं। हम इनको फॉलो कर सकते हैं, उनके गूगल कर सकते हैं, या आते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेस में लिखेंगे या हिंदू में लिखेंगे, टेलीग्राफ में लिखेंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग लिखते हैं। सो हम लोगों को फॉलो करें अपार्ट फ्रॉम रीडिंग वन स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। तो ये NRC के बारे में है, बैलेंस्ड व्यूज होते हैं उनका, तो हम उनको अपना सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी का नाम है गौतम भाटिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। He is a 2011 National Law School graduate, studied at Oxford University on a Rhodes Scholarship. He then went to Yale University to study constitutional law as he wanted his legal education underpinned with a sound understanding of constitutional philosophy. He believes the Indian Constitution is a transformative document. So, ये नहीं सोचते हैं कि Indian Constitution 1915 में जो हमने अपनाया वो बिल्कुल fixed है या वो rigid है, A to Z उसी को follow करना चाहिए। ये सोचते हैं कि जैसे जैसे societal values change होते हैं वैसे वैसे constitutional भी change होते रहना चाहिए। And has written a book on freedom of speech in Indian Constitution. So, इनके articles, एक मैंने दिया हिंदुस्तान टाइम्स का है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में लिखे थे। ही सेज दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो यही सेम टू सेम बात कल इलेक्शन कमीशन ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के एक एफिडेविट में, कि हमने गवर्नमेंट को हमने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम सही नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यही बात ये भी कह रहे थे, बहुत पहले कह चुके थे ये। तो इनका एक ब्लॉग भी है indconlawfil.wordpress.com, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फिलोसफी, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। तो नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है प्रताप भानु मेहता, ही इज एन इंडियन एकेडमिक, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक, एंड इज करंटली द वाइस चांसलर ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी सिंस July 2017. ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द इंडियाज मोर थॉटफुल इंटेलेक्चुअल्स। सो इनके आर्टिकल्स भी काफ़ी काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। सो जहाँ कहीं भी इनके आर्टिकल दिखे कोई भी न्यूज़पेपर में, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हमें कैसे पता चलता है, कि इन लोगों का एक लिस्ट बना के इनको फॉलो करें तो वो कहीं भी लिखते हैं वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है ये, इनका
बाबरी मस्जिद राम टेम्पल डिस्प्यूट के बारे में लिखे थे, सुप्रीम कोर्ट का मीडिएशन जैसे अनाउंस हो गया उस टाइम, तो आप पढ़ सकते हैं। उस नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है शिव विश्वनाथन। Shiv Visvanathan is an Indian academic best known for his contributions to developing the field of science and technology studies and for the concept of cognitive justice, a term he coined. He is currently professor at O.P. Jindal Global University, Sonepat. He was professor Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar, and has held the position of senior fellow center for the study of developing societies in Delhi. He has also taught at Delhi School of Economics. Aise kafi sare hain inka क्वालिफिकेशन ही क्वालिफिकेशन हैं, तो इनके आर्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, एक्सप्रेस हिंदू सब में लिखते हैं, एशियनेट सब में। तो एक एग्जांपल के लिए हिंदू का एक मैंने दिया, ए पीस लीड ए पीस मूवमेंट इज नीडेड, इनका इसके बारे में एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो इनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर रघुराम राजन, इनके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। रघुराम गोविंद राजन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड एन इंटरनेशनल एकेडमिशियन हु इज द कैथरीन डुसक मिलर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस। इन सबसे अच्छा हम इनको ऐसे जानते हैं कि RBI का गवर्नर थे रिसेंटली बिटवीन सेप्टेम्बर 2013 एंड सेप्टेम्बर 2016 एंड बिटवीन 2003 एंड 2006 ही वॉज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो इनके आर्टिकल्स भी, इनका इंटरव्यूज भी, इनके बुक्स भी, काफ़ी सारे बुक्स भी लिखे थे, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, तो आप रेगुलरली इनको फॉलो कर सकते हैं। तो नीचे मैंने एक आर्टिकल दिया चिकागो बूथ का फैकल्टी का, अपने साथियों से मिलके इंडिया के इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में इन्होंने एक डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को, उसके बारे में था ये लिंक, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद इनको फॉलो करना है, आपको कैसा लगता है इकोनॉमी के मैटर्स में एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने का हमें काम आएगा। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है अरविंद सुब्रमण्यन, ये भी रघुराम राजन जी के जैसे ही सेम टू सेम स्टैंडर्ड के हैं। अरविंद सुब्रमण्यन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडिंग रघुराम राजन। रघुराम राजन जी पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, बाद में RBI के गवर्नर बने, तो उसके बाद ये उनको सक्सीड किए थे। द पोस्ट ऑफ CEA वॉज लाइंग वेकेंट फॉर ओवर ए ईयर सिंस रघुराम राजन लेफ्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू ज्वाइन RBI एज गवर्नर। तो इनका भी आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, इनका बुक्स भी अच्छे होते हैं। अरविंद सुब्रमण्यन इनका नाम है, इनका मैंने एक लिंक दिया आइडियाज फॉर इंडिया का मैक्रो एवरीथिंग यू नो अबाउट क्रॉस कंट्री कन्वर्जेंस इज नॉट रॉन्ग। तो इनके आर्टिकल्स भी फॉलो करें तो इकोनॉमी के मैटर्स में हम एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है रुचिर जोशी। रुचिर जोशी इज एन इंडियन राइटर फिल्म मेकर एंड ए कॉलमिस्ट फॉर टेलीग्राफ इंडिया इन टेलीग्राफ इंडिया टुडे एंड एज वेल एज अदर पब्लिकेशंस। तो इनका एक नॉवल भी है, काफ़ी सारे नॉवल्स हैं वैसे, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए लार्जर सोसाइटी। सो एक आर्टिकल आप पढ़ के अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए, इनको फॉलो करना है कीजिए, मुझे पसंद आते हैं इन सब के आर्टिकल्स। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है अभिजीत बनर्जी MIT। अभिजीत विनायक बनर्जी वॉज एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेर ही रिसीव्ड हिज PhD इन 88। ही इज करंटली फोर्थ फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट MIT। इन 2003 ही फाउंडेड अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। इन सबसे हमें पता चल रहा है कि ये सारे एकेडमिक्स होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनका एक आर्टिकल है मैंने यहाँ दिया, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज डिमोनिटाइजेशन। डिमोनिटाइजेशन के बाद इन्होंने अपने ओपिनियन बताया, इसमें काफ़ी अच्छा था। तो अब आपको एक लिंक दे रही हूँ ताकि आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं इनके बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलर हैं जीन ड्रीज, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आज के दिन ये अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रांची यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर गए। वंस दिस मैन वॉज द फैकल्टी ऑफ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये मैं नहीं लिख रही थी, अपने बारे में खुद फेसबुक में इन्होंने अपने बारे में खुद लिखा, तो अपना डिस्क्रिप्शन दिया। दिस मैन कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड ड्राफ्टेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वॉज लेटर रीनेम्ड एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और MG नरेगा। इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। ये नरेगा के बारे में कह रहे हैं,
उसमें इन्होंने काम किया. इट एम्स टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. सो नरेगा के बारे में, नरेगा का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इनका एक स्क्रॉल का एक आर्टिकल दिया मैंने, आप मिनिमम इनकम मैक्सिमम गैम्बल द बिग क्वेश्चंस ओवर कांग्रेस न्याय प्रॉमिस. ये बिल्कुल एक दो दिन पहले का आर्टिकल है ये, राहुल गांधी जी का ये न्यूनतम आय योजना के बारे में. ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि इनको फॉलो करना है क्या. नेक्स्ट स्कॉलर का नाम प्रणब बर्धन, यूसी बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. प्रणब बर्धन इज प्रोफेसर ऑफ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली. He was educated at Presidency College, Calcutta and Cambridge University, England. He had been at the faculty of MIT, Indian Statistical Institute and Delhi School of Economics before joining Berkeley. He has been visiting professor fellow at Trinity College, Cambridge, St. Catherine's College, Oxford and London School of Economics. So, inka bhi kaafi sare achievements hain. So, inka maine ek YouTube ka ek interview diya. मुझे सो आप देख के फॉर्म कर सकते हैं, इनका कोई आर्टिकल्स दिखते हैं तो फॉलो करना है क्या. उसके बाद रेणुका शाहने, ये हम सब जानते हैं. रेणुका शाहने आल्सो नोन बाय हर मैरिड नेम रेणुका नीखरा इज एन इंडियन एक्ट्रेस वर्किंग इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड इंडियन टेलीविजन, बेस्ट नोन एज द प्रेजेंटर ऑफ दूरदर्शन टीवी शो सुरभि. सो इन सब के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनके ओपिनियंस हैं सोशल इश्यूज में, वो बोल्डली एक्सप्रेस करती हैं वो. सो तो इनके ओपिनियन आप क्लियरली पूरा पढ़ना है ऐसा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं ट्विटर में वैसे, तो आप फॉलो कर सकते हैं. सो मुझे अच्छा लगता है. तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी लेटेस्ट कल का था ये, रेणुका शाहने स्कूल सुचित्रा कृष्णमूर्ति फॉर कंपेयरिंग सेक्स वर्कर्स एंड क्रिमिनल्स ऑन ट्विटर. सो सुचित्रा कृष्णमूर्ति एक सिंगर, उन्होंने कहा सेक्स वर्कर्स और क्रिमिनल्स के बाद भी पैसे होते हैं, पैसे ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहा था अपने कोई स्टेटमेंट में. सो रेणुका शाहने जी ने उनको समझाया कि सेक्स वर्कर्स और क्रिमिनल्स दोनों एक ब्रैकेट में नहीं आते हैं, सेक्स वर्कर्स जब मजबूरी में जो कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ समझाया. सो इनके ओपिनियंस बहुत बैलेंस्ड होते हैं, सो आप फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है शैलेश गांधी. ये शैलेश गांधी इज अ ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. ही वाज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन प्लास्टिक पैकेजिंग एंड वाज सीएमडी ऑफ क्लियर प्लास्टिक्स लिमिटेड. ये सब इनका बैकग्राउंड है, मेनली हम इनको जानते हैं एज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. शैलेश वॉज पार्ट ऑफ द नेशनल आरटीआई मूवमेंट विच वॉज इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द नेशनल एक्ट. ही वॉज द कन्वीनर ऑफ नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन. ही हैज यूज्ड आरटीआई एंड ऑल्सो ट्रेन मेनी सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन ओवर 1000 वर्कशॉप्स टू यूज इट. फॉर्मरली ही वॉज एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर विद द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली. मेनली इनका ऐसे हम जानते हैं इनको. ही डिस्पोज्ड अ रिकॉर्ड ऑफ ओवर 20,000 केसेस इन 2 years and 9 months and ensured that most cases were decided in less than 90 days. So, इनका achievement है ये. तो activist है, RTI activist. तो इनका एक opinion है यहाँ Bloomberg Quint ये site में. लोकपाल a retirement club with negligible impact. अभी लोकपाल बनी थी तो लोग तो ये उसके बारे में अपना opinion बनाया. So, आप opinions ये पढ़ सकते हैं इनके, देखिए कैसा लगता है आपको. नेक्स्ट स्कॉलर हैं मार्कंडेय काजू. इनको हम जानते हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. जस्टिस मार्कंडेय काजू इज द फॉर्मर चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही सर्व्ड एज ए परमानेंट जज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इन ये भी रेगुलरली ओपिनियंस दे रहे होते हैं सोशल इश्यूज में, तो ये भी रीजनेबल होता है. सो एक आर्टिकल मैंने दिया डेली वो का, इट्स अबाउट 30 years of exodus, 4 reasons why Kashmiri pandits will never return to Kashmir. इसके बारे में है. ये खुद कश्मीर के हैं तो mainly वहाँ concentrated हैं, concentrate करते हैं, लेकिन बाकी सारे issues में भी लिखते हैं, काफी अच्छा होता है. तो इनको आप Facebook में भी follow कर सकते हैं, regularly update कर रहे होते हैं. उसके बाद next scholar का नाम है P Sainath. Palagummi Sainath is an Indian journalist who focuses on social and economic inequality, rural affairs, poverty and the aftermath of globalization in India. He is the founder editor of the People's Archive of Rural India. He was the rural affairs editor at the Hindu before resigning in 2014. Agriculture ke mamle mein ye kafi agriculture agrarian distress ke bare mein kafi acha likh rahe hote hain.
उसमें काफी सारे काम उस एरिया में काफी काम किए थे। इनका नाम मुझे पता चला मार्कंडेय काजू जी को फॉलो करते हुए, उन्होंने कहा कि आजकल के जर्नलिस्ट में पी साईनाथ बेस्ट होते हैं, सो मैं इनको भी फॉलो करने लगी। तो अब इनका एक आर्टिकल है रूरल इंडिया ऑनलाइन .org में, ए फ्लड असेसमेंट ए ड्रॉट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर माडभूषी श्रीधर आचार्यलु। माडभूषी श्रीधर आचार्यलु इज एन इंडियन एकेडमिक एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, रिसेंटली रिटायर किए थे ये। टीचिंग बीइंग द फर्स्ट लव, ही हैज जॉइंड बैक द एकेडमिया बेनेट यूनिवर्सिटी आफ्टर एडजुडिकेटिंग थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड अपील्स अंडर RTI as Central Information Commissioner from 22nd November 2032 to 21st November 2018, recently retired किया था ये। So इनका एक article है, Information not given to citizens under RTI is leading to corruption across institutions. So काफी articles हैं, for example एक article दे रही हूँ मैं, तो आप पढ़ सकते हैं। Next scholar का नाम है योगेंद्र यादव, ये भी हम सब जानते हैं। योगेंद्र यादव is an Indian politician, sophologist मतलब election के मामले में election का वो सब बताना, एंड एकेडमिक हूज प्राइमरी इंटरेस्ट आर इन द पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेस। ही हैज बीन अ सीनियर फेलो एट द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली सिंस 2014। ये भी फ्रीक्वेंटली रेगुलरली लिख रहे होते हैं। सो हिंदू का एक ओपिनियन है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फार्मर्स। सो फार्मर्स के डिस्ट्रेस के बारे में काफी ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनको बोल रहे थे कि फार्मर्स को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस गवर्नमेंट में। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है प्रशांत भूषण, ये भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। प्रशांत भूषण इज ए पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एन एक्टिविस्ट। ही वॉज मेंबर ऑफ फैक्शन ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट नोन एज टीम अन्ना, विच सपोर्टेड अन्ना हजारे कैंपेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जन लोकपाल। सो पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर है ये, PIL बोलते हैं ना। तो इनका एक वायर का एक आर्टिकल है, काउ रिलीजियस सिंबल एंड एमरजेंसी, इसके मामले में काफी बुक्स भी लिखे थे, एमरजेंसी के ऊपर भी एक बुक था, काफी अच्छा था। तो आप इनको जैसे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में या ट्विटर में या सीधा गूगल ही करें तो इनका आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो उसके बाद इंदिरा जयसिंह, ये भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इंदिरा जयसिंह इज एन एडवोकेट, शी इज एन इंडियन लॉयर नोटेड फॉर हर लीगल एक्टिविज्म इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट कॉजेस। इन 2018 शी वॉज रैंक 20th इन द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बाई फॉर्च्यून मैगजीन। इनका एक आर्टिकल है हिंदू का, मैंने शेयर किया। आई एम अ पर्सन इन माई ओन राइट, इंदिरा जयसिंह टेक्स एक्सेप्शन टू AG वेणुगोपाल रिमार्क। रिसेंटली है ये, 10-15 दिन पहले की बात है ये। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह जी के हस्बैंड आनंद ग्रोवर, ये भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, अटॉर्नी जनरल ने ऐसे कमेंट किया कि इंदिरा जयसिंह इज अ शी शुड रिफर टू हरसेल्फ एज ए वाइफ ऑफ आनंद ग्रोवर। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उसके बाद ये भी काफी अच्छे इश्यूज में, सोशल इश्यूज में लिखते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी इज एन इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एंड ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फूड सप्लाईज एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। गुलाटी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द हाइकिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ सेवरल फूड ग्रेन्स। इनका इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल दिया मैंने PM किसान के मामले में। तो आप इन सारे स्कॉलर्स को आप पढ़ के खुद समझ के फॉलो करना है तो करें, तो इम्पोर्टेंट इश्यूज में हम एक बैलेंस ओपिनियन फॉर्म करने का हेल्प आएगा। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर एंड फॉर्मर करियर इंटरनेशनल डिप्लोमैट AIFS ऑफिसर थे, हु इज सर्विंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरला सिंस 2009। इनके बारे में हम सब जानते हैं, इनको फॉलो करें तो इनके ओपिनियंस बैलेंस्ड होते ही हैं, और इनका इंग्लिश का तो जवाब ही नहीं है। तो एक आर्टिकल स्क्रॉल का दिया मैंने, वाई आई एम ए हिंदू, इसके एक बुक लेके, काफी सारे बुक्स हैं इनका, तो इस बुक के बारे में एक कैसे बोल रहे थे। तो नेक्स्ट वीर दास है स्कॉलर का नाम, मैं तो स्कॉलर ही मानूंगी इनको, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इंटरनेशनल, नेशनल, सोशल सारे इश्यूज पे ये कॉमेडी के थ्रू बताते हैं, तो काफी अच्छा लगता है इनका ओपिनियंस मुझे। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है N.Ram, ये हिंदू के एडिटर है ये, हाँ तो कोई बात ही नहीं है कुछ बोलने का। नरसिम्हन राम, ऑल्सो नोन एज N.Ram, इज एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कस्तूरी फैमिली दैट कंट्रोल्स द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। रिसेंटली राफेल के मामले में काफी लिख रहे हैं, कि पढ़ सकते हैं आपको, इनका जर्नलिज्म अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम अरुण शौरी,
ये भी एन.राम जी के जैसे ही हैं। अरुण शौरी इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पॉलिटिशियन। ही हैज वर्कड एज अ इकोनॉमिस्ट विद द वर्ल्ड बैंक, ए कंसल्टेंट टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड एक प्लानिंग कमीशन, अब नई है लेकिन उसी को नीति आयोग बोलते हैं, तो ये विकी के पेज में है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वाजपेयी मिनिस्ट्री। तो ये भी रेगुलरली एक्टिविज्म आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो वायर का एक आर्टिकल दिया मैंने। इस तरह से स्कॉलर्स को फॉलो करें, उनके आर्टिकल्स पढ़े, एक न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स का लिए काम करें, तो इस तरह से करें तो हमें काफ़ी काम आएगा। ये दिस इज द वे, दिस इज द मेथड दैट आई फॉलो। तो दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो? यू आप पूछ सकते हैं कि फॉलो मतलब क्या है। वी कैन फॉलो देम बाय रीडिंग देयर कॉलम्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, बट हाउ विल वी नो इन विच न्यूज़पेपर और वेबसाइट दे हैव रिटन? बाय फॉलोइंग देम ऑन फेसबुक और ट्विटर और बाय सिंपली गूगलिंग देम। इज फॉलोइंग द पीपल मेंशन्ड अबव एनफ? दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एंड दोज दैट आई लाइक एंड फॉलो एंड नॉट एग्जॉस्टिव और कम्प्लीट। यही लोग हैं और कोई लोग हैं ही नहीं स्कॉलर्स, ऐसा नहीं है। जो दो पीछे दो दिन में मुझे जो याद आया लिस्ट मैंने बनाया, आप अपना बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन लिस्ट एज पर योर चॉइस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।